तो स्वागत है अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो अभी मैं आया हूँ ऐरोली में, तो अभी रिलायबल टेक में, तो उधर इंटरव्यू है, तो अभी फटाफट जाते हैं उधर और वापस मिलते हैं। तो अभी मैं चलते चलते पहुँच ही गया हूँ अपना जहाँ पे आना था, रिलायबल टेक पार्क, तो यहीं पे है खाली, तो अभी अंदर जाते हैं फटाफट। तो आज मैं येस बैंक का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, तो उधर कुछ एक्टिवेशन प्रोसेस का कुछ काम है, तो देखते हैं अभी इंटरव्यू कैसे रहता है, तो अंदर जाते फटाफट। अभी हम लोग पहुंच गए, तो ये कोई तो अंकल मिले हम लोगों को। तो अंकल, यहाँ पे रिलायबल टेक पार्क कहाँ पे है? यही है क्या? तो आज हमारे साथ ये अंकल भी आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। नाम क्या आपका? शुभ नाम? जय सतीश। तो इनका नाम जय सतीश है। आप किस इंटरव्यू के लिए आए बताओ? तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, पर यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सकते और रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग चुपके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि सामने से पब्लिक भी आ रही है, तो इधर शांति से जा कुछ नहीं है। अरे ये बहुत बड़ा है, मतलब रिलायबल स्पेस बहुत बड़ा है। कॉल वो रुके नहीं, करना सर को कॉल, तो क्या पूछते हैं वो। अरे क्या दिन था, ये उड़ी कौन मार रहे सर? सर नहीं है तो बैकग्राउंड कॉल, बैकग्राउंड बैकग्राउंड है क्या? हेलो सर। हाँ सर, आ गया। ये लो अभी ना, देखना एड्रेस। अरे एड्रेस देखना, एड्रेस लिफ्ट नंबर फोर का है। चलिए देख सर, लिफ्ट नंबर फोर का है। ये है क्या? ये एड्रेस देख भाई, अच्छा है। तो अभी लिफ्ट आ रही है, फटाफट जाते हैं। यही है ना एड्रेस? अभी हमारा इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, तो अभी ये आकाश गया था, मैं टाइम के वजह से मुझे नहीं जॉब अच्छा लगा, मतलब 1 से 10 बजे तक दे रहे थे वो लोग, 1 बजे से 10 बजे तक, मतलब बहुत हो गया टाइम। और इसका क्या था, मेरा क्या था, ये सिलेक्ट भी हो गया था, ये फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो गया, पर सेकेंड राउंड में क्या हुआ तेरा? रिजेक्ट हो गया। हाँ, सेकेंड राउंड में ये रिजेक्ट हो गया, वो इंग्लिश के वजह से, क्योंकि उसका इंग्लिश अच्छा नहीं था थोड़ा बहुत, इसलिए वो कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए बोले वो, तो इसका तो इंग्लिश अच्छा नहीं था, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। और आप भी ये देख के जाना कि इंग्लिश थोड़ा बहुत इम्प्रूव ही कर दिया जाना, क्योंकि इंग्लिश का अभी बहुत ही डिमांड है, क्योंकि हिंदी में तो बात ही नहीं करके देते, इंग्लिश तो मेन ही हो गया, मतलब इंग्लिश के बिना तो जॉब ही नहीं है ना। नहीं सही है, सही है, सही है, जो है वो है, जो है वो है। आप भी अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो भी इंग्लिश ज़रूर सीख के जाना, और इंग्लिश का कोर्स करने से अच्छा नहीं है कि आप ही अपने आप में बात करोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और जॉब कौन सा था आकाश? वाईफाई का। हाँ, इसका वो इसको कॉल सेंटर दिया था, मतलब वाईफाई का था, वहाँ पे कहीं पे अगर कनेक्शन अगर टूट जाए तो इसको जाके सही करना है, कस्टमर केयर के साथ बस। और तो आज के लिए इतना ही, तो अभी हम लोग मिलेंगे दूसरे इंटरव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।